हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो पोकेमोन यूनाइट। और आज हम लोग करने वाले हैं फाइव फायर टाइप ओनली चैलेंज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चारों जो अपने मतलब पांचों एक्चुअली 2KP मेंबर्स अपनी दो कौड़ी प्लेयर की गैंग, हाँ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भाई पांच फायर टाइप पोकेमॉन्स लेंगे जिसके साथ हम लोग ये गेम खेलने वाले थे। एंड डेफिनेटली भाई ये गेम बहुत ओपी गया, क्योंकि एक्चुअली सीन ये था ना कि हम लोग स्टॉक में रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं, सागर, मैट्रिक्स एंड डायनेमिक हो गया, और भी मतलब एक दो रैंडम प्लेयर्स भी थे। तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे फायर टाइप ओनली चैलेंज, ग्रास टाइप ओनली चैलेंज, वाटर टाइप ओनली चैलेंज। तो मैं अभी तीन वीडियो डालने वाला हूँ लगातार एक सीरीज़ की, तुम लोग कह सकते हो। तो जिसमें से ये पहला पार्ट है फायर टाइप ओनली चैलेंज। नेक्स्ट भाई वाटर है, ग्रास तो और खतरनाक गया था, वाटर में तो तुम्हारे भाई ने डोमिनेट किया भाई पूरा एजोमरल से। ग्रास मैंने एल्डेगॉस खेला था 80,000 का डैमेज एल्डेगॉस से, तो डेफिनेटली तुम्हें वो गेम में भी काफ़ी मज़ा आएगा। बट फिलहाल के लिए फायर टाइप वाला गेम प्ले देखो, इसमें भी बहुत डोप था क्योंकि अपोनेंट के पोकेमॉन्स जो थे और अपोनेंट की टीम एक्चुअली हमारी फ्रेंड लिस्ट की थी, एंड वो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, लिटरली बहुत अच्छा। तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात थी भाई उनको हराना इस पूरे गेम के अंदर। ऊपर से मैंने भाई, मेरे लिए बस यही पोकेमॉन बचा था, क्योंकि अगर मैं कुछ और ले लेता तो मैं बाकी मेरे टीममेट्स के पास कोई पोकेमॉन ही नहीं बचता, तो मुझे भाई इसी के साथ खेलना पड़ा। ये पोकेमॉन मुझे बिल्कुल चलाना नहीं आता, तुम सभी को पता है, तुम सभी को ये बात पता है कि स्क्वाड को कुछ भी चलाना नहीं आता है, तो ये भी उसमें से एक है। हाँ तो भाई यहाँ पे सीन ये होता है कि उनका जो भाई एक्चुअल में डेल्फॉक्स प्लेयर होता है वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है, वेरी ऑब्वियस, राइट, वेरी ऑब्वियस। एंड बाय द वे भाई नया फ़ोन, फक यू सैमसंग, 16 FPS कौन देता है भाई यूनाइट जैसे गेम में, हद है। इससे अच्छा तो भाई रियलमी है भाई, नो स्पॉन्सर भाई, वापस आ गया मैं रियलमी में। 60 FPS पर खेल के भाई ऐसा मक्खन फील आ रहा है, तुम्हें पता नहीं है मेरी हाथ फिसल रहा था भाई फ़ोन में, लिटरली फिसल रहा था भाई। सैमसंग भी इतना घिसा है ना, मैंने मेरी उंगलियों, मेरी अगर हाथों की लकीरें होती ना अंगूठों पे, मिट चुकी होती भाई, इधर से इधर ट्रैक करने में पूरा अंगूठा घिस देना पड़ता था, वो तो भी तमीज से रिकॉर्ड नहीं होता था। 16 FPS आती थी, तुम लोग अलग गाली दे रहे होते थे, तो मैंने कहा भाई चलो वापस आया जाए अपनी औकात पे। तो मैं वापस आ गया भाई इस फ़ोन पे, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे खेलने में वापस से, शायद से गेम प्ले थोड़ा बेटर हो जाए। पिछली बार तो भाई जो ही चल रहा था 16-20 FPS में, मैं खुद डीमोटिवेट, मैंने कहा ख़त्म, मैं फ़ोन कचड़े में फेंकने वाला था। तो भाई उनका एक्चुअल में डेल्फॉक्स अभी तक में इवॉल्व कर गया था, एंड हम लोग के डेल्फॉक्स यानी कि मैं एज यूजुअल पिट रहा था। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा बहुत इवॉल्व होने का ट्राई करूंगा, क्योंकि भाई ट्राई कर सकता हूँ, मेरे टीममेट इतने दहशी दरिंदे भाई पूरा फार्म खा जाते हैं, तो मेरे लिए कुछ बचता नहीं है, तुम कह सकते हो। तो हाँ गाइस, तो मैं आ चुका हूँ। यहाँ से हम लोगों ने भाई थोड़ा सा डोमिनेट करना चालू किया, क्योंकि अब वो लोगों ने पुश देखने वाली गलती की थी, हम लोग को लेवल दे दिया था एक्चुअल में उन लोगों ने। यहाँ पे मैं मूव सोच रहा था, तो मैंने अपने टीममेट से पूछा, तो उन सभी ने कहा भाई फायर ब्लास्ट लो। मुझे नहीं पता भाई एक्चुअल में इस पोकेमॉन से कैसे खेलते, तो मैंने फायर ब्लास्ट खेला, एंड लकीली स्टील हो गया। फायर स्पिन भी खेलने वाला, मुझे इसका फायर स्पिन पता है क्योंकि मैं फायर स्पिन से बहुत पिटा हूँ भाई सामने वाले के डेल्फॉक्स से, तो डेफिनेटली मैं इससे खेलने वाला था। एंड हम लोगों ने भाई सक्सेसफुली उनका पहला गोल तोड़ा था। यहाँ पे मैंने अपना फायर स्पिन चला के उन दोनों को घुमा के रख दिया ना, उसके बाद मेरे टीममेट्स ने उनको कूट डाला, अच्छे तरीके से कूटा भाई, कूट दिया। खैर इट डजेंट मैटर गाइस, अनटिल अनलेस तुम जीत रहे हो। तो हम लोगों ने फिर डाउन की तरफ मूव करना चालू किया, एंड अगेन भाई फायर स्पिन इतना सही भाई, एकदम खतरनाक मूव है इसका, इतना प्यारा खेल रहा था मैं इससे भाई, अपोनेंट डर गए थे। फिर मैं यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा पिटूंगा इनसे, इसलिए मैं घास पे छुप गया था, एंड मैं यहीं से चला रहा था भाई। क्या खतरनाक आई क्यू लगाया मैंने, अगर मैं पता बाहर निकलता ना मेरे को कूद डालता भाई उनका ऑटो एम, बट भाई लकीली उनका ऑटो एम घास पे जाने के बाद काम नहीं करता है, तो इसके कारण मैं उनके ऑटो एम से बच गया भाई यूजिंग 69 IQs। फिर यहाँ से हम लोगों ने भाई नीचे का एक और बेस तोड़ा, एंड देन मैंने एक फायर स्पिन चलाया जिससे मैं तो बच गया, बट वो बेचारा डेल्फॉक्स नहीं बच पाया, तो RIP। खैर तो भाई यहाँ पे सिज़ोन ने भाई निर्णय ले लिया था एकदम दृढ़ निश्चय कि मेरे को मार के रहेगा, जिससे वो सक्सेसफुल हो गया। हर बार थोड़ी जीतूंगा भाई, कभी कभी पिटना भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैं अगेन ऊपर आता हूँ, बट तब तक मेरे टीममेट्स ने कोचड़ा कर दिया होता है भाई एकदम, दो कौड़ी प्लेयर्स जैसा अपना क्लैन का नाम है वैसे ही भाई इनकी हरकतें भी हैं। यहाँ पे मैं फायर स्पिन चलाता हूँ जिसके कारण सागर बच जाता है, वरना भाई उसकी चार्जर की पूछ की आग बुझ जाती। ओह एक्चुअली मैं बुझ गई थी, मैंने अभी नोटिस किया। डैम भाई अब समझा मैं हुआ क्या था गेम में, मैं इसको मार रहा था इधर की तरफ एंड वो रोटोम चला गया था भाई, अब समझ आया। सैड भाई रोटोम तुम पे टारगेट नहीं करता क्या, ये वाला कब से उन लोगों ने बग फिक्स कर दिया, जबकि मुझे लगता था भाई रोटोम पहले तुम पे अटैक करेगा अगर तुम उसके पास में हो तो, अपोनेंट में मतलब, मेरे को छोड़ के भाग गया भाई, मुझे लगा कम से कम मेरे पीछे आएगा मुझे मारने के लिए, बट नहीं भाई क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नीचे की तरफ मूव करना चालू किया, एंड अगेन भाई तुम्हारे प्यारे स्क्वाड भाई ने एकदम बचा लिया भाई अपनी टीम को,
एकदम नाजों से संभाला भाई मैंने अपनी टीम को, क्या बात कर रहे थे। यहाँ से मैंने उनके डेल्फॉक्स को घुमाया एंड वो डेड हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत फार्म लिया मैंने पक्का बोला सीन काट दिया होगा डेफिनेटली क्योंकि यार उसकी मैं उसके अल्टी से मर गया था इसलिए मैंने सीन कट कर दिया गाइस। तो यहाँ पे भाई अपना सेंट्रीफाइड आ चुका था जिसके लिए मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली थी मेल्ट वुल्ट करके एंड हेवी गो भाई। हम लोग अब चालू हो चुके थे कि हम लोग सेंटर की तरफ मूव करेंगे। फिर भी मैंने सोचा कि चलो फार्म ले लेते हैं, मतलब क्यों नहीं लिया जाए, थोड़ा बहुत लेवल जरूरी था मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे भाई थोड़ा सा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ। तभी मुझे मेरे चारों टीममेट्स अलग अलग क्षेत्र के हैं, एक राजस्थान का है, एक मराठी है, एक गुजराती है, मुझे चार अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में गाली पड़ी। तो मैं वापस से वहाँ से मूव ऑन कर गया बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम लोग करते हो अपने प्यार से। तो यहाँ पे भाई मैंने अगेन भाई पीछे हटा, मैं सागर के पीछे गया एंड मैंने सागर के पीछे से मारा भाई सब लोगों को। कमेंट्री मेरी एकदम ख़त्म है भाई तो भाई यहाँ पे मेरी एचपी एकदम ख़त्म थी। मुझे अगेन भाई इस बार मराठी में गाली पड़ी क्योंकि मेरा दोस्त जो मैट्रिक्स है वो मराठी है, तो मुझे मराठी में गाली पड़ी जिसके कारण मुझे बेस पे वापस जाना पड़ा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अगेन वापस आऊँगा क्योंकि मैं भी भाई यूपी बिहार का हूँ तो डेफिनेटली नसों में है पंगे लेना। तो यहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ भाई पंगे काटने के लिए एंड तो यहाँ पे भाई किसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं लिया। तो देन भाई थ्री गॉड पोकेमोन डेल्फॉक्स सिंड्रेस और चार्जार्ड ने निश्चित ऐसे मतलब निर्णय लिया कि हम लोगों ने मारेंगे भाई रिक्वेजा को। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मैक्सी अल्टी आती है भाई सिंड्रेस की जिसके कारण हम लोग ये क्षेत्र के गेम जीत जाते हैं। तो भाई यहाँ पे ख़त्म होता है इनका पूरा स्ट्रगल क्योंकि अपोनेंट की इस कदर फटती है कि उन लोग ने लिटरली सरेंडर कर दिया होता है जबकि अपोनेंट की टीममेट बहुत अच्छे भाई, वो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं भाई। लूफी हो गया, साबो हो गए, फेक प्लेयर्स हैं मतलब फेक करेक्टर है, लेकिन हाँ भाई ये प्लेयर्स जब भी आए मेरे अपोनेंट में काफ़ी अच्छा खेलते हैं भाई इन लोग का नाम नीला क्यों है यार मुझे नहीं पता, मैंने यूनाइट पूरे 6 महीने के लिए छोड़ा था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। खैर ठीक ठाक ही खेला मैंने। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करता हूँ, तुम्हें पसंद आई होगी। एंड बाय द वे ग्रास टाइम में भाई तुम्हारे एल्डिवर्स ने 80,000 का डैमेज दिया भाई, एकदम मजा आ गया, पता नहीं कैसे वो चीज़ हुआ है। एंड अजूमरल से भी मैंने काफ़ी अच्छा खेला तो उसका भी वेट करना क्योंकि वो भी गेम प्ले मैं जल्दी डाल दूंगा मतलब कल या परसों तक। एंड ये सीरीज़ को मैं कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ जिसमें हर पॉसिबल टाइप कॉम्बिनेशन को मैं यूनाइट में खेलने वाला हूँ, जैसे कि घोस्ट टाइप ओनली, ग्रास टाइप ओनली, फ्लाइंग टाइप ओनली, कुछ हरकतें करेंगे। अगर कोई पोकेमॉन कम होगा तो हूबा रख लेंगे या फिर कॉम्फी रख लेंगे कुछ ऐसे, या फिर म्यू रख सकते हैं या फिर जोरवाक रख सकते हैं जो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा। तो अल्टीमेटली समझ रहे हो ना तुम लोग, IQ स्क्वाड का IQ है भाई, स्क्वाड के पास IQ के अलावा कुछ नहीं है। खैर आज की वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ मैं ये गेम प्ले देखने में मजा आएगा। इस चैनल के अंदर हम लोग पोकेमॉन रिलेटेड गेम प्लेस एंड वीडियोस डालते रहते हैं तो डू चेक देम आउट, तुम्हें पसंद आएगा डेफिनेटली। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि यूनाइटेड प्लेयर्स हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अपना ध्यान रखना, पीस आउट।